नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार में एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू असहज महसूस कर रही है। जेडीयू की इस असहजता को लेकर चर्चा यह है कि जेडीयू और भाजपा के मिलन का एक शर्त यह भी था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि विधायकों के नंबर गेम को लेकर नीतीश कुमार परेशान भी थे। वे चाहते थे भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर जेडीयू विधायक की संख्या बढ़ जाए। इस कार्य के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को जिम्मेदारी दी थी, पर वह इस बार असफल रहे। गौरतलब है, अशोक चौधरी ने विधान परिषद में कांग्रेस की उपस्थिति को शून्य कर दिया था। तब चारों विधान पार्षद जेडीयू के साथ हो गए थे। तीसरे नंबर की पार्टी का दंश जेडीयू को महागठबंधन में भी झेलना पड़ा। विधायकों की कम संख्या को लेकर लोचा तब सामने आया जब लोकसभा सीट शेयरिंग पर बात होने लगी। तब महागठबंधन की स्टेयरिंग पर बैठे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा सीटों के बंटवारे का आधार विधायकों की संख्या बना डाला, लेकिन तब जेडीयू ने इस समीकरण को नकारा और लोकसभा की सीटिंग सीट को आधार बताया। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन का साथ छोड़ना पड़ा और एनडीए के साथ दोबारा शामिल होना पड़ा। अब जेडीयू का एनडीए में आने की वजह क्या रही होगी और समझौते के बिंदु क्या रहे होंगे, या तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। अब जेडीयू ऐसा क्यों चाहती है, उसके भी कई कारण हैं। पहली जरूरत तो यह थी कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी से छुटकारा चाहती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे और राम लहर में चुनावी बेड़ा पार भी करना चाहती है। लोकसभा और विधानसभा साथ साथ होने से 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो नीतीश कुमार भी अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि जेडीयू के भीतर यह अविश्वास भी है कि 2025 के विधानसभा तक हालात कितने ठीक ठाक रहेंगे या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहार में सरकार तो बनी पर मंत्री वही बने जो भाजपा ने चाहा। नीतीश कुमार की पसंद को दरकिनार किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।